भोजपुर दर्शन न्यूज खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखें। राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति संघ संगठन जगदीशपुर कार्यालय में सदस्यों के साथ बैठक आयोजित किया गया। बैठक में संगठन के अध्यक्ष ऋतिक रोशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए और सभी सदस्यों ने सर्वसहमति से संगठन के नए अध्यक्ष अभय मिश्रा को मनोनीत किए। इस अवसर पर अभय मिश्रा ने कहा कि सदस्यों को जोड़कर संगठन को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए। मैं राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति संघ संगठन का अध्यक्ष ऋतिक रोशन सिंह, आज दिनांक 23/07/2021 दिन शुक्रवार को सबके सर्वसहमति से अध्यक्ष पद का इस्तीफा देता हूँ। मेरी इस्तीफा देने का कारण कुछ नहीं है, बस मेरी यही सोच है कि सभी युवाओं को अपनी कार्यशैली को दिखाने का कर्तव्य है। मैं अपने समर्थकों से आग्रह करूंगा कि इस बात को लेकर कुछ नाराजगी जाहिर न करें और नए अध्यक्ष का सम्मान करें। मैं हमेशा आप सभी के बीच में एक सेवक बन के रहूंगा और जिस तरह मैं अपने कार्यकाल में अध्यक्ष पद पर रहकर मैं अपनी गरिमा को शांतिपूर्वक समझकर अपने संगठन को ऊंचाइयों तक ले गया हूं, मैं कार्यकर्ता के तौर पर संगठन को अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल में मैंने जितना मदद किया, लोगों की सेवा किया और जितना मैंने कार्य किया उससे कई गुना ज्यादा मैं कार्यकर्ता बनकर करूंगा, क्योंकि हर संगठन हर पार्टी और हर जगह पर एक कार्यकर्ता ही सबसे ज्यादा एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में माने जाते हैं। अतः सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से संगठन के सक्रिय सदस्य अभय मिश्रा को संगठन के अध्यक्ष बनाया गया। आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाइएगा। आपको बहुत बहुत बधाई इस अध्यक्ष पद के लिए। धन्यवाद।